व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो यस, आई वाज क्लीनिंग आउट माय क्लोजेट. वो मेरा डेली का काम बन चुका है बिकॉज आई एम लिटरली फेसिंग इश्यूज विद स्पेस इन माय क्लोजेट यार. एंड लेट मी क्लियर इट टू यू, आई डोंट हैव स्पेस एनी मोर, नॉट इवन फॉर टीनी टाइनी छोटू सा टॉप. वो कितना ही स्पेस लेता है यार वार्डरोब में, इतना सा. तो फाइनली आई एम गोना क्लियर ऑल दोस थिंग्स इन माय क्लोजेट व्हिच आई डोंट वेयर एनी मोर. With like very heavy heart, मैंने इन्हें कब से रखा हुआ है कि नहीं, because those are mostly from my initial days of blogging and बहुत ज़्यादा memories attached है. Like I don't know, it's very hard to explain, but we're gonna do it. And don't you guys worry, तुम्हें इतने घंटे की मेहनत and रोना धोना कुछ भी नहीं दिखने वाला, and you should be actually very happy about that because मैंने already सारी चीज़ें declutter करके रख ली हैं अपने पास, and I want to show everything to you guys in today's video because maybe somewhere in near future I can look back at this video with a happy memory. I guess that reason should be good enough to make this video, right? So starting with, मुझे इतना अजीब लग रहा है कि अभी थोड़े टाइम बाद ये मेरे हाथ में नहीं होंगी, बट दिस इज़ लाइक द ट्राउजर्स विच जस्ट डू नॉट फिट मी एनी मोर. मतलब लेग्स में भी फिट नहीं होते हैं. दिस वन इज़ फ्रॉम माई इनिशियल डेज ऑफ ब्लॉगिंग व्हेन आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. तो उसके फोटोशूट में आई एक्चुअली गॉट इट स्टिच विद अ फैब्रिक एंड एवरीथिंग. तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज एंड बहुत सारी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेमरीज इससे अटैच्ड है. एंड दिस जस्ट डू नॉट फिट मी एनी मोर बिकॉज पहले मैं बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट थी, बट दैट डजेंट मीन कि अब मैं ओवरवेट हूँ. I'm just fit now. Let's just get clear with that, please. All right, so next is this dress. This style was so unique few years back, but I don't wear it anymore. And ये बस रखा हुआ है मेरे wardrobe में. पहन के मुझे लग रहा है कि it is looking nice, but at the same time मुझे पता है कि मुझे अपना space create करना है wardrobe में, तो मुझे चीज़ें निकालनी तो पड़ेंगी ही. एंड मे बी यू कैन हेल्प मी विद फ्यू ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन डोनेट दीज क्लोथ्स बिकॉज सारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है. एंड मे बी मतलब आई यूज टू डू इट पहले, बट आई डोंट नो इट एनी मोर, लाइक ट्रस्टेबल वाले यू नो फंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो प्लीज़ हेल्प मी आउट इन द कॉमेंट्स. नेक्स्ट आई हैव अ पेयर ऑफ मॉम जीन्स. ये तब मुझे मॉम जीन्स की तरह फिट होती थी, एंड नाउ दे डू नॉट इवन फिट मी लाइक अ लेगिंग. इतना चेंज आ गया है, बट दीज आर इन परफेक्ट क्वालिटी. इसको साइड रखते हैं. दीज वर फ्रॉम शीन एक्चुअली, दे सेंड इट टू मी. नेक्स्ट आई हैव दिस हाई लो कुर्ती. वैसे मुझे ना ये वाला स्टाइल कभी समझ नहीं आया, बट एट द सेम टाइम मैंने अपने आप को रोका नहीं. मैंने इसे बहुत बार स्टाइल करने की भी ट्राई करी है, एंड आई गेस दैट इज इट. आई डोंट नीड इट एनी मोर. आई स्टिल हैव द टैग्स एंड एवरीथिंग. यस, यू ऑल आर सीइंग व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, एंड आई एम ऑल ओके विद दैट. इट्स ओके. इस कार्यक्रम को यहाँ रोकते हुए आपको बताया जाता है कि टुडेज वीडियो इज़ पॉसिबल बाय पर्पल, एंड दे हैव सेंड मी क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर पर्पल ब्यूटी कार्निवल विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम 22nd टू 27th दिस जून, वेयर दे हैविंग अप टू 50% ऑफ गोइंग ऑन, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू विन एन आईफोन यूजिंग माई कूपन कोड राइट ओवर हियर. एंड नाउ आई एम गोना क्विकली शो यू वन बाय वन व्हाट ऑल आई गॉट. Okay, so the first product right over here is from Good Vibes. It's their Rose Glow Toner. I love toners in general, man. Kitne summers ke liye perfect hote hai. Let's try it. It smells like roses. I mean, obviously, it will smell like roses because it's a Rose Glow Toner. But in a very gentle and mild manner. Bilkul aise harsh smell nahin kar raha hai. बहुत ही जेंटल एंड इंस्टेंटली इतना रिफ़्रेश कर देता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. प्लस देयर प्रोडक्ट्स कंटेन नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, एंड इट्स सल्फेट फ्री. एंड ऑन गुड वाइब्स एंड वाइब बे एप्स गुडनेस एंड स्टेक वर्की प्रोडक्ट्स पे पर्पल हैज़ हैविंग अप टू 30% ऑफ, विच इज़ सो अमेजिंग. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज़ गुड वाइब्स पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश. आई लव पपायाज इन जनरल, एंड अगर किसी प्रोडक्ट में पपाया एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ हुआ है, आई एम लाइक कि हाँ मुझे ये चाहिए. एंड लास्टली we have a really cute bottle. It's Good Vibes Rose Hip Radiant Glow Face Serum. I mean, facial serums is something which I've recently started using, and I've recently added into my skincare routine, and it's a game changer, you guys. And this one I actually wanted to try from a really long time.
And not only this, guys, on Maybelline products, they're having up to 40% off. And on Wow products also, they're having flat 40% off on ₹399. Also, before that, do not forget to check these products out on Purple Beauty Carnival, which is happening from 22nd to 27th this June. And they're having up to 50% off. And at the same time, you can also stand a chance to win an iPhone by yourself using this coupon code right over here. And I'm linking all these products in description box down for you guys to check out. So do check out. Okay, so the next I have is this dress. Chalo, ye kaise dikha rahi hu main. Okay, ye mujhe ab bahut hi acche se fit aa rahi hai. Pehle mujhe yahan pe ek alag se belt lagana padta tha isko tight karne ke liye, but आई गेस यही इतना ही सफ़र है मेरा इस ड्रेस के साथ. ये वाले स्टाइल्स मुझे नहीं पसंद, या फिर अब ये ट्रेंडी नहीं है तो दो स्टाइल्स आर बैड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वो स्टाइल्स पसंद है, एंड सबकी चॉइसेस अपनी अपनी होती है. तो अगर मुझे नहीं पसंद तो देयर आर सो मेनी अदर पीपल जिन्हें यू नो इट कैन जस्ट मेक देम हैप्पी. एयर सोनिया में आपका स्वागत है. दिस इज अनदर ड्रेस. ओह माय गॉड, अगर मुझे पता होता ना कुछ साल पहले कि मुझे ये सब चीज़ें थोड़े टाइम बाद फिट आएंगी, ओह क्या बात ही होती. बट दिस इज द ड्रेस विच आई हैव टेकन आउट ऑफ माई क्लोजेट अभी. एंड मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें भी टैग्स लगे हुए हैं. लाइक वॉट इज अप विद मी. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ. इट्स जस्ट कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरा मन नहीं है निकालने का, बट आई गेस आई हैव टू लेट गो ऑफ. This is one of them. Okay, so next I have these trouser pants. So इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि जो इसका टाइप है ना, इट्स नॉट इन फ्रंट, इट्स इन बैक. तो जब भी मैं अपने फैमिली मेम्बर या फिर मतलब ऐसे गेट टुगेदर या फ्रेंड्स वगैरह से मिलती थी ना, तो वो मुझे हमेशा टीज करते थे कि तूने उल्टा क्यों पहना हुआ है. बट भाई ये ऐसे ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती. एंड आई गेस उस रीज़न की वजह से ना वी हैव टू लेट गो ऑफ इट. नेक्स्ट आई हैव दिस स्कर्ट. इट ऑल्सो हैज पॉकेट, इसी वजह से मैंने इसे ली थी. एंड आई गॉट इट फॉर माई बर्थडे, 19th या फिर 20th बर्थडे पे मैंने ली थी. एंड दैट टू फ्रॉम कूव्स. डज एनी वन रिमेंबर कूव्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉप? वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी तब, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम. एंड आई गेस दैट इज इट, हो गया मेरा. नेक्स्ट आई हैव दिस टॉप, एंड ये मुझे यहाँ से बंद नहीं हो रहा है, एक साइड से हो गया है, तो आई गेस दैट्स द रीज़न इनफ. दिस वन आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर एक्चुअली, बट लग नहीं रहा ना सरोजनी का टॉप है. दिस इज सो गुड, एंड इतना डिज़ाइनर, इतना अच्छा वाइब दे रहा था मुझे, एंड दैट्स वाई आई गॉट इट. बट या इट्स जस्ट नॉट फिटिंग मी एनी मोर. तो या बोंगोला बोंगो चा चा चा. ऑल राइट, सो नेक्स्ट वी हैव दिस ड्रेस. लुक एट इट, ता ता इट्स वे टू टाइट. लाइक इवन इफ आई एम सिटिंग ना, इट्स वे, तुम देख सकते हो कितने अनकम्फर्टेबल हूँ मैं यहाँ से यहाँ से. समवन एक्चुअली सेंड इट टू मी, एज यू कैन सी नॉट एनी मोर. इट्स जस्ट नॉट फिटिंग मी. निकालो मुझे, मुझे सांस नहीं आ रही. Not happening. Okay, so next I have this fake UCB stripped sweater. ऐसे similar sweaters मेरे पास same color में है दो तीन और, because मैंने ऐसे ही उठा लिए थे last winters के लिए. ऐसे था कि घर पर पहन के, you know, घर पर पहनने के लिए it will be easy. तो अभी I guess एक दो हम थोड़े give away कर सकते हैं, and rest I'll keep it with myself. अभी आने वाली winters के लिए भी थोड़ा time है, but वैसे you get it what I mean. And अभी फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, because obviously बहुत ज़्यादा हॉट है यहाँ पे. तो इसको रिमूव करते हैं, आगे देखते क्या है. नेक्स्ट आई हैव दिस पेपलम नियॉन टॉप. वेर आई गॉट इट, आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग इट नाउ एट दिस पॉइंट. एंड आई गेस इट्स जस्ट टू मच, लाइक इवन फॉर अ स्टाइल एंड कलर एंड एवरीथिंग. सो आई गेस दैट्स दैट. एंड ये बहुत ही इल फिटेड भी है, तो I guess it's loose from everywhere. Like what is happening? I guess it's just not my size. मैंने इसे without try किए हुए locally रानी बाग से लिया था. That's the only story of this top, and I guess तभी मुझे ये नहीं आ रहा है. तब मैं बहुत खुश हुई थी यार इसे लेके. What is up with me? मैं क्या high होके shopping कर रही थी तब. मेरे को नहीं पहननी इतनी मोटी मोटी dresses. This is supposed to be a summer dress. इट्स सो थिक, मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा है इसे देख के पहनने का. बट इट्स अ पार्टी ड्रेस, इट्स लाइक ब्रांड न्यू थिंग. आई डोंट रिमेंबर कि कहाँ से ली थी, या फिर समवन एक्चुअली सेंड इट टू मी. सो या
Next, I have a very interesting piece. It's a jumpsuit, striped jumpsuit. It does not fit me anymore. कहीं से भी, even from the legs. And अभी कुछ time पहले तक भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब टाइटली आ रहा था, बट मैं इसमें फिट हो जाती थी, बट अभी नहीं हो पा रहा है. एंड आई एम ओके विद दैट. आई ट्राई टू इंसर्ट अ पिक्चर समवेयर हेयर. मैंने लिटरली जब ये फर्स्ट टाइम पहना था, इतना लूज था मुझे ये. मैंने पीछे क्लिप्स, रबर बैंड, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे हैक करके टाई कर रखा था ऐसे कि मेरी फोटो अच्छी आ जाए. नाउ आई जस्ट डोंट फिट इन टू इट. और अगर किसी ने मुझे कॉमेंट में कहा ना कि आप मोटे हो गए हो, मैंने चपेड़ मार देने हैं. चुप हो जाओ, थक गई हूँ मैं सुन सुन के. ये नहीं है, यू आर जस्ट ग्रोइंग अप. एंड मैंने जिम वगैरह भी स्टार्ट कर दिया था. आई एक्चुअली ट्राई टू गेन वेट, लाइक अ हेल्दी वेट गेन. तो दैट्स द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग इन माई बॉडी राइट नाउ. ओके, दिस यूज़ टू बी माई फेवरेट टॉप एवर. मुझे इतना पसंद था, अभी भी पसंद है, बट तब तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं इसे घर के इवेंट्स वगैरह में या फिर कॉलेज में भी, डेली में भी, कई ब्लॉगिंग इवेंट अटेंड कर रही हूँ तब भी, फोटोशूट में भी, हर जगह यूज़ किया हुआ मैंने इसे. मतलब मैंने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है. एंड दिस इज़ लाइक अ बेसिक स्ट्रैपी टॉप. मैंने आई गेस सरोजनी या फिर जनपद से लिया था. एंड मुझे अब इसे दोबारा पहन के बहुत ही यू नो पुरानी मेमोरीज याद आ रही है. इट्स सच अ नाइस कलर अभी भी, बट आई गेस अभी हमें इसे साइड रखना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए. बट मैं रो दूंगी यार, तुम नहीं समझ रहे हो. ओके, सो नेक्स्ट आई हैव दिस वाइट स्ट्रैपी टॉप, जो कि इट्स वेरी ज़्यादा वाला इल फिटेड. तो आई गेस दैट इज इट. ये नहीं, इसका कुछ भी नहीं हो सकता. मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने कब, कहाँ और क्यों लिया था. कोई मेमोरी नहीं है मेरे पास इस टॉप की, बट ठीक है. इट्स फीलिंग वियर्ड ऑल्सो इसे थोड़ा पहन के ना. आई डोंट नो व्हाई. आई हैव अनदर वन ऑफ माय फेवरेट जंपसूट्स. दिस इज इन लेवेंडर कलर. अगेन आई डू नॉट फिट इन टू इट फ्रॉम माई थाई एरिया एंड बम एरिया. ये सब उन एक्स्ट्रा हैवी स्क्वाट्स का असर है, बट एट द सेम टाइम मैं खुश भी हूँ कहीं ना कहीं दूसरी साइड पे. बट आई जस्ट मिस इट मैन. मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ. मैं इसे बहुत ज़्यादा पहनती थी एंड दिस वॉज लाइक अ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर. मुझे याद है लाइक जब मैं इवेंट्स में अकेले जाती थी ना, तो दिस वॉज लाइक अ फ्रेंड टू मी. एंड इसकी वजह से मैंने काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाए. नॉट गोना लाई, एक्चुअली हैपेंड. बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो गई है, मुझे लगता नहीं मेरे में हिम्मत बची है कि मैं और चीज़ें ट्राई करके दिखा पाऊँ. तो आई शो यू लाइक दिस. आई हैव अनदर कुर्ती. ये सबने देखी है ना, मैंने इसे बहुत ज़्यादा स्टाइल किया है, बहुत ज़्यादा वेयर किया है एंड यूज़ भी किया है. सो आई गेस दिस इज़ इट. मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली मेमोरीज़ हैं एंड मैंने इसे बहुत अच्छे से भी पहना है एंड बहुत अच्छे से यूज़ भी किया है. एंड आई एम लाइक अ प्राउड मॉमी, गना गिव इट अवे. नेक्स्ट आई हैव दिस जैकेट. दिस आई कैन ट्राई. वेट, दिस इज नॉट गना फिट मी एट ऑल. बट एनी वे आई गेस दैट्स द रीज़न मैंने इसे निकाला था. मैं ना बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगी हूँ, बड़ी हो रही हूँ. इट्स अ रिवर्सिबल जैकेट, तुम इसको ऐसे ही पहन सकते हो एंड रिवर्स करके इसका बैक प्लेन भी हो सकता है. दैट वॉज वेरी नाइस थिंग. ओके बाय. देन वी हैव दिस पेपलम टी शर्ट टॉप. इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना है. दिस वॉज एक्चुअली अ गिफ्ट बाय चुंबक एंड इसको मैंने फोटोशूट्स में भी बहुत यूज़ किया. एक्चुअली उन्होंने ही फोटोशूट किया था एंड मैंने इसे बहुत ज़्यादा पहना है. इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई है बिकॉज ऑब्वियसली वॉशिंग पर्पसेस की वजह से, अदरवाइज इट्स जस्ट परफेक्ट. एंड या आई डोंट वेयर दिस काइंड ऑफ स्टाइल एनी मोर. सो या इसको हम रख देते हैं साइड में. मुझे ना एक्चुअली में मज़ा आ रहा है. नहीं, मज़ा नहीं आ रहा. ओके, अगर सो नेक्स्ट आई हैव दिस शिफ्ट ड्रेस विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर. मैंने इसे लिया था क्योंकि मुझे बहुत प्रिटी ऐसे जापनीज स्टाइल लग रहा था. बहुत टाइम पहले की बात है, ठीक है. एंड तब आई वॉज इन टू यू नो लाइक शॉर्ट हेयर, बैंग्स है, तो दैट वॉज माई काइंड ऑफ स्टाइल 4-5 years back. एंड मैंने उसके बाद से इसे बिल्कुल भी नहीं पहना है. बिल्कुल अनटच्ड ऐसे ही फोल्ड होके रखा हुआ था. तो आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ इट नाउ एंड मे बी यू नो someone can wear it and style it in much nicer way. I guess this is the last piece we have. It's a dress. I guess some brand sent it to me or something. मैंने इसे बहुत पहना है. मैं बाहर जब ऐसे घूमने वगैरह भी गई हूँ तो वहाँ पर भी मैंने इसे बहुत पहना है. फोटोशूट्स में भी बहुत ज़्यादा पहना है एंड एवरीथिंग. लाइक मैंने इसे पूरा ऐसे नहीं कहते
रगड़ा है बट स्टिल इट्स इन नाइस कंडीशन पूरा. मैं अपने कपड़ों को ना बहुत ध्यान से रखती हूँ बिकॉज मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने ना इनको बिल्कुल ख़राब कर रखा है अगर ज़्यादा पहना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड आई गेस अगेन दिस इज़ नॉट माई स्टाइल एनी मोर, पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये, तो अभी बस इसे रख देते हैं. आई गेस दैट इज इट. मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो बना के. इट वॉज लाइक अ नाइस वे ऑफ शेयरिंग माई पास्ट लाइफ एंड एक्सपीरियंसिस विद यू गाइज इन टर्म्स ऑफ क्लोथ. आई मीन दैट वॉज अ बिट यूनिक इन दैट वे है ना. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बिफोर आई फॉरगेट, फील फ्री टू शेयर ऑल द ट्रस्टेबल लिंक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन वेर आई कैन सेंड दीज अक्रॉस, वेर आई कैन डोनेट दैम. प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड जस्ट फील फ्री. अगर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे भी तुम्हें कॉन्टैक्ट्स पता है तो वो भी मुझे शेयर कर दो. एंड अगर यू नो पब्लिकली नहीं शेयर करना तो DM कर दो, दैट्स ऑल्सो चिल. एंड या आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन. मुझे ये सब दोबारा से ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर प्लेस पे रखना है. तब तक के लिए आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय.